डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करवाने वाला हूं और मैंने इन करंट अफेयर्स को दो हिस्सों में बांटा है। कुछ करंट अफेयर्स को तो मैं डिटेल में करवाने वाला हूं, उनके बारे में काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करने वाला हूं ताकि विजुअल फॉर्म में जब आपको इन्फॉर्मेशन दिखे, पिक्चर्स उनकी दिखें, तो आप उनको रिटेन कर पाएँ। और उसके बाद में कई वन लाइनर्स की फॉर्म में करवाऊंगा, लेकिन उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम की जानकारी मैं आपको दे पाऊँ। और ये मेरा वादा है कि हो ही नहीं सकता कि दिसंबर के महीने से करंट अफेयर पूछे जाएं और इस वीडियो से करंट अफेयर ना आए। और ये मैं नहीं बोल रहा, इस वीडियो के ऊपर की गई मेरी रिसर्च और मेरी मेहनत ये बोल रही है। तो स्वागत है आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और इस चैनल पर आप हमेशा हर महीने के बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किए गए करंट अफेयर्स देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि भाई इस चैनल के ऊपर रोज़ाना करंट अफेयर्स डेली सुबह 6 बजे अपलोड किए जाते हैं 6 AM पर। वहाँ पर आप वो करंट अफेयर्स दे सकते हैं, और उन करंट अफेयर्स के देने के बाद कोई आम बात नहीं है, हमारा ही ऐसा चैनल है जो रोज़ाना आपको क्विज प्रोवाइड करवाता है। और उस क्विज को अगर आप दोगे तो आप टॉप 20 स्टूडेंट्स में आकर अपना नाम भी वेबसाइट पर देख सकते हैं, और अगर आप 60% से ऊपर मार्क्स उस क्विज के अंदर स्कोर करोगे तो आपको इनाम के रूप में PDF डाउनलोड करने को मिलती है, जो कि आपको उत्साह बढ़ाती है कि आप उसके अंदर 60% नंबर लेके आए, आपको मोटिवेट करती है। तो इसीलिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो डेली करंट अफेयर की मज़ेदार वीडियो आपसे मिस हो जाएगी। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, मतलब कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। तो भाई इसका आंसर एड्स वर्ल्ड, एड्स जो वर्ड है इसके अंदर ही छुपा है। आई आई जो है बिल्कुल एक के जैसा दिखता है, और डी जो है उससे हम लेते हैं दिसंबर। देखो आई और डी से हमें मिल गया ना एड्स के अंदर, 1 दिसंबर। देखो बिल्कुल कितनी तगड़ी शॉर्ट ट्रिक है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। तो अब की बार जो वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी नो योर स्टेटस, कि अपना स्टेटस जानो। स्टेटस मतलब कि आप HIV पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। क्यों? क्योंकि कई लोग अपना स्टेटस नहीं जानते हैं, टाइम पर चेक नहीं कराते हैं, ऐसे होते हैं जिनको HIV पॉजिटिव जो बाद में निकलते हैं जिनको एड्स होता है, अगर वो पहले चेक करा लेते तो काफ़ी हद तक सुखी जीवन जी सकते थे। वो आखिरी स्टेज पर उनको पता लगता है जब जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी प्रचलित हो जाते हैं। इसीलिए वर्ल्ड एड्स से मनाया जाता है कि भाई अवेयरनेस क्रिएट की जाए HIV की टेस्टिंग के बारे में, कि एटलीस्ट अपनी टेस्टिंग तो करा ले लोग। अब अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड सोइल डे ऑब्जर्व्ड, विश्व मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो भाई सोइल डे क्यों मनाया जाता है, सोइल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए मनाया जाता है कि जो सोइल का हम यूज़ करते हैं, मिट्टी का जो हम यूज़ करते हैं, सब कुछ अपने मिट्टी की टॉप लेयर से ही आता है, पेड़ पौधे और उनसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसकी हम सस्टेनेबल यूज़ करें। सस्टेनेबल यूज़ मतलब कि बिना वजह अपनी मिट्टी को एक्सप्लोइट ना करें, नहीं तो बाद में हमारे पास बचेगा नहीं, धरती जो है लिमिटेड ही है। तो इसका आंसर भी सोइल डे के अंदर से ही मैंने निकाल दिया है। सोइल में जो एस है वो बिल्कुल 5 जैसा दिखता है, जैसे एड्स के अंदर जो आई है वो 1 जैसा दिखता था, और डी जो है डी से हम ले रहे हैं दिसंबर। तो सोइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है, मज़ा आ रहा है, वाव फीलिंग आ रही है, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, तभी आप मेरे काम को अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो 5 दिसंबर को ये मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है इस बार की वो है बी द सोल्यूशन टू सोइल पोल्यूशन, मतलब कि जो सोइल का, मिट्टी का जो प्रदूषण है उसका सोल्यूशन बने, उसका समाधान बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो देखो भाई ह्यूमन राइट्स डे, आपस में तो इंसान इक्वल है, सारे इंसानों को इक्वल बनाया है, फिर भी एक इंसान दूसरों को एक्सप्लोइट कर देता है, तो उसकी हेल्प कौन करेगा, कोई जानवर तो हेल्प करेगा नहीं, दूसरा इंसान। जब एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प करता है, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान का हाथ थामता है, तो उनकी 5+5 उंगलियां मिलकर 10 का दम बनाती हैं, 10 का दम, ठीक है। और उस 10 के दम से मैं बोल रहा हूँ 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को जब एक इंसान दूसरे इंसान को हेल्प करता है, सहारा देता है, तो 10 का दम, और 10 का दम बनाकर ही ह्यूमन राइट्स डे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये इसके याद करने का तरीका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं भाई।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भाई इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम, इसका नया कोच है भाई, अपने पूर्व ओपनर रह चुके हैं वो, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम के, तो उनका नाम है WV रमन। ये भी आपको रटवा दूंगा। कैसे? देखो, महिला की क्रिकेट टीम का कोच बना है तो वो पक्का वीमेन को, मतलब कि महिलाओं को विक्ट्री दिलाने के लिए बना है। हराने के लिए तो किसी को भी कोच नहीं बना जाता, तो W से W और V से V, विक्ट्री से हमने V उठाया, तो ये हो गया WV रमन, वीमेन विक्ट्री, WV रमन। ऑप्शन सी इसका आंसर है, वीमेन को विक्ट्री दिलाने के लिए। देन विच कंट्री लॉन्च्ड, कौन से देश ने लॉन्च कर दिया भाई दुनिया भर में इसका फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इंटरनेट की सुविधा देने के लिए उपग्रह लॉन्च कर दिया। भाई चाइना जैसे काम कर रहा है ना, ये अजीबोगरीब जो चाइना काम कर रहा है इतने खतरनाक से, मेरे को लगता है एक दिन ये अपना सूरज लॉन्च कर देंगे जिस स्पीड से ये चल रहे हैं। तो चाइना ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है, और ये प्लान जो किया था इस प्रोजेक्ट का नाम है होंग यून, जिस प्रोजेक्ट के तहत ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया। और ये प्रोजेक्ट किसने प्लान किया था भाई? चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्प, ठीक है, CAIC, कैसिक ने ये प्लान किया था। तो भाई अब चाइना के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता दूं, ये है अपना प्यारा देश इंडिया, और इंडिया के ऊपर है ये अजीबोगरीब काम करने वाला चाइना। तो चाइना के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है युआन, एक बार पढ़ लीजिएगा। इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, इंडिया का सबसे लंबा, भारत का मतलब ऐसा ब्रिज, ऐसा पुल जिसके ऊपर रेल भी चलती है और उसके ऊपर सड़क भी है, सड़क भी है मतलब गाड़ियां भी चलेंगी। तो एक बार आपको पिक्चर दिखा दूं मैं, है ना, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऊपर तो क्या चलती हैं, कारें चलेंगी, बसें चलेंगी, और नीचे क्या है, रेल की पटरी है, वहां पर रेल चलेगी। तो पहला ऐसा पुल बना है इंडिया के अंदर, ठीक है, और इंडिया के अंदर इस तरह का पहला बना है तो सबसे लंबा होएगा ही, बिकॉज इस तरह की एक ही चीज है, ठीक है। तो भाई दिसंबर 25 को, जो कि अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, जिसको गुड गवर्नेंस डे भी बोला जाता है, तब इसको लॉन्च किया गया है। और इसकी लंबाई जो है 4.94 किलोमीटर है, मतलब कि 5 किलोमीटर से सिर्फ 60 मीटर छोटा है ये, ठीक है, और असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर से ये गुजर रहा है, उनके कुछ हिस्सों से ये गुजर रहा है, और ये धीमाजी और डिब्रूगढ़, इन दो जगह को जोड़ रहा है, धीमाजी और डिब्रूगढ़, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये कौन सी नदी के ऊपर है ये तो मैंने बताया नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा। तो असम के अंदर से तो ब्रह्मपुत्रा गुजरती है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि इंडिया की वो नदी जिसके अंदर सबसे ज्यादा पानी का वॉल्यूम है, सबसे लंबी नहीं है, पानी का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर उस नदी का, ठीक है। अब भाई अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नासा, नासा के अनुसार कौन सा प्लानिट, कौन सा ग्रह है जो तेजी से अपने छल्ले मतलब कि रिंग्स उसके खो रहे हैं? तो भाई देखो, सबसे सुंदर दिखने वाला जो सैटर्न, जो शनि प्लानेट है, उसी के छल्ले आपने देखे होंगे। वैसे तो जो छल्ले हैं वो जुपिटर के चारों तरफ भी हैं, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। और ये छल्ले क्या हैं, ये छल्ले कोई सीढ़ी नहीं है, उस प्लानेट की जो धूल है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वही जब प्लानेट के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, उसके जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसके कारण, तो वो छल्ले बन जाते हैं। तो अब जो वो छल्ले हैं वो गायब क्यों हो रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये सैटर्न के चारों तरफ ये छल्ले हैं, तो सैटर्न इनको अपनी तरफ खींच रहा है, ये धूल के कण हैं, तो धूल के कण क्या हो रहे हैं, जा जाके जो शनि ग्रह है उसके ऊपर पड़ रहे हैं, मतलब कि धूल बैठ रही है इसीलिए खत्म हो रहे हैं। जैसे पानी में, हम पानी के अंदर अगर धूल हो और उसको हम घुमा दे तो धीरे धीरे धूल बैठती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड। और सैटर्न की बात आ गई है तो सैटर्न का सबसे बड़ा, बिगेस्ट सैटेलाइट है टाइटन, ठीक है, टाइटन सैटर्न का बिगेस्ट सैटेलाइट। अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज द मोस्ट डिस्टेंट, मतलब कि निम्नलिखित ये सारी वस्तुओं में से सबसे दूर, जो कि सोलर सिस्टम के अंदर सबसे दूर कौन सी वस्तु हमें मिली है? तो इसको थोड़ा सा और करेक्ट करने के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे दूर माइनर प्लानेट कौन सा मिला है, मतलब कि एक छोटा ग्रह। देखो जी,
हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सिर्फ ये नहीं है जो आप बचपन से जानते हो कि इतने ग्रह हैं, नहीं, इन ग्रहों के अलावा और भी छोटे छोटे ग्रह हैं दूर दूर जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, और हमने सबसे दूर, सबसे सूरज से सबसे दूर एक छोटा सा ग्रह पाया है, मतलब कि काफ़ी फार है, तो इसका नाम फार आउट हमने रख दिया है। फिलहाल हमने इसीलिए इसका नाम रख दिया है क्योंकि ये काफ़ी दूर है, फार आउट, बाद में इसका साइंटिफिक नाम भी हम रख देंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, फार आउट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, फार आउट जो है वो 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, ठीक है, सूरज से। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, सूरज और धरती के बीच में, सूरज और मान लो मरकरी, वीनस, अर्थ कहाँ गई भाई, मरकरी, वीनस, अर्थ, तो सूरज और धरती के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऐसी ही 120, मतलब जितना डिस्टेंस धरती और सूरज के बीच में है उसका 120 गुना डिस्टेंस सूरज और उस फार आउट के बीच में है, ठीक है। देन ये तो चलो मैंने बता ही दिया, वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो दुनिया का सबसे पहला फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का क्या मतलब है, पानी के ऊपर तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है, कौन से देश ने बनाया है, तो भाई ये काम किया है रूस ने, रशिया ने। अब ये याद कैसे रहेगा, देखो पानी के ऊपर कोई चीज़ तैर सकती है तो जूस के ऊपर भी तैर सकती है, तो जूस के ऊपर जो तैरेगी वो रूस बनाएगा, जूस रूस, जूस रूस, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट तैरता हुआ रूस ने बनाया है। अब ये क्यों बनाया है, ऐसा अजीबोगरीब काम क्यों किया है, ये मैं आपको बताऊं। देखो कई जगह ऐसी होती हैं जिनके अगर आपने बिजली पहुंचानी हो तो भाई धरती के अंदर अंदर वाले इलाके से पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ऐसी दूर दूर जगह है, लेकिन वो क्या है, वो समुन्द्र के पास है, तो वहाँ ये जो न्यूक्लियर फ्लोटिंग पावर प्लांट है ये वहाँ से उस जगह को बिजली पहुँचा सकते हैं ईजिली, जो भी एनर्जी की नीड्स है उनको पूरा कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ गया। और इस फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो नाम है वो है एकेडमिक लोमोनोसोव, लोमोनोसोव, और जो लोमोनोसोव है वो रशिया के कोई साइंटिस्ट रहे हैं पहले। अब रशिया के बारे में आपको बता दूं भाई, ये है अपना इंडिया, इसके ऊपर है भाई चाइना, और उसके ऊपर है रशिया, ठीक है। और रशिया के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी, प्रेजिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबल। Then, who has been appointed as the new president of the Film and Television Institute of India? तो जो Film and Television Institute of India है FTII, उसके नए president के रूप में, नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो भाई, पहले इसके अध्यक्ष थे अनुपम खेर, और अब इसके अध्यक्ष बना दिए गए हैं ब्रिजेंद्र पाल। तो ये FTII क्या है, ये एक जाना माना, मतलब इंडिया का सबसे टॉप का एक्टिंग सिखाने का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक्टिंग सिखाने का इंस्टीट्यूट। तो पहले अनुपम खेर थे जो कि जाने माने एक्टर हैं बचपन से गंजे, तो मैं देख रहा हूँ इनको, ठीक है। तो ब्रिजेंद्र पाल अब बने हैं इसके अध्यक्ष, और जो CID नाटक आपने देखा है ना उसके डायरेक्टर, दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं ब्रिजेंद्र पाल सिंह। वन सिटी वन ऑपरेटर स्कीम, मतलब कि अगर एक शहर है तो उसके अंदर उस चीज़ के ऊपर एक ही ऑपरेटर होगा, मतलब कि एक ही कंपनी काम करेगी। तो ये जो स्कीम है ये किस चीज़ से संबंधित है, देखो एक शहर के अंदर काफ़ी सारे गटर होते हैं, काफ़ी सारे सीवेजेज होते हैं, अलग अलग कंपनियां अलग अलग गटर का जो नेटवर्क है उसका ठेका ले लेती है। अब कोई पानी को कहीं बहा देता है, कोई पानी के साथ कुछ करता है, ये पता नहीं पानी के साथ क्या करते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि सारे गटर का जो ठेका है एक ही कंपनी को देंगे, पानी को ट्रीट किया जाएगा, साफ किया जाएगा, और उसको जहां पर उसको यूज किया जा सकता है उसको यूज किया जाएगा। इसीलिए वन सिटी एंड वन ऑपरेटर स्कीम लॉन्च की गई है सीवेज नेटवर्क के लिए, ताकि पानी को दोबारा यूज किया जा सके, ठीक है मेरे भाई। सारे सीवरेजेस की मेंटेनेंस होगी, और प्रयागराज में जैसे अभी देखो यार, अपने ही देश में बेगाने से हो गए हैं हम, हमें याद करना पड़ रहा है कि पहले क्या नाम था इस शहर का, पहले जो इलाहाबाद था उसका नाम अब प्रयागराज है, कुछ शहर नए नए लग रहे हैं अब हमें, कुछ लोगों को नाम बदलने की आदत है। तो प्रयागराज इलाहाबाद में 175 किलोमीटर लंबा सीवरेज का नेटवर्क है, उसको जैसे एक ही ऑपरेटर के नीचे दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देन
कौन से देश की टीम है जिसने भाई 2018 का मैन हॉकी वर्ल्ड कप जीता है? तो 2018 का मैन हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हुआ है, ओडिशा के अंदर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर, और ये जीता है किसने? ये बेल्जियम ने जीता है, ठीक है। बेल्जियम यहाँ पर आकर बेल आइकन दबा गए, ठीक है, इंडिया में आकर बेल आइकन दबा गए हॉकी का, ठीक है। तो आप भी बेल आइकन दबा दो इस चैनल का बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराया है, ठीक है। अब आपको इंडिया की पोजीशन याद रखनी है, तो मेरे को ये बताओ हॉकी की शेप कैसी होती है? हॉकी की शेप ऐसी होती है ना जे के जैसी, हॉकी की शेप को थोड़ा सा ऐसे मतलब घुमा दोगे तो ऐसे कैसी हो जाएगी, हॉकी की शेप कैसी हो जाएगी? छः के जैसी। तो हॉकी छः के जैसी है, तो इंडिया की पोजीशन भी छठी आई है, भुवनेश्वर के अंदर हुआ है, ओडिशा की कैपिटल के अंदर। इंडिया की पोजीशन क्या है? छठी, ठीक है। और हाँ जी, इसका मैस्कट, इसका मैस्कट है टर्टल ओली, टर्टल एक कछुआ, ठीक है, ओली नाम है इसका, टर्टल ओली। दिस फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल कबड्डी टीम, भारतीय की जो कबड्डी टीम है, भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी टीम, उसका पूर्व कप्तान है, उसने अपनी सेना निवृत्ति की घोषणा कर दी है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, उसका नाम क्या है? भाई उसका नाम है अनूप कुमार। यहाँ पर मैं जिलोटा की बात नहीं कर रहा, अनूप कुमार जिलोटा की, ठीक है। ये जो मैं अनूप कुमार की बात कर रहा हूँ वो ये हैं, ठीक है। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, अगर आपने प्रो कबड्डी लीग देखी होगी तो इनको जानते होंगे, और इन्हीं की कप्तानी के तहत हॉकी जो कबड्डी जो है वो 2016 के अंदर वर्ल्ड कप जीती है, ठीक है। इंडिया की कबड्डी को वर्ल्ड कप जीतने की आदत सी हो गई है, इसलिए मैं आपको साल भी नहीं बता रहा, इंटरनेट पर उठा के देखो एक बार, ठीक है। हर एक जगह कबड्डी में इंडिया जीत रहा है। कौन सा राज्य है भाई, कौन सी राज्य सरकार है जिसने शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च की है, ठीक है। शिक्षा सेतु ऐप किस चीज़ के लिए? फॉर बेटर कनेक्टिविटी विद कॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब कि जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनकी कॉलेज के स्टाफ के साथ, या मतलब हर एक तरह के स्टाफ के साथ उनके अच्छी कनेक्टिविटी हो। तो सेतु का मतलब बता देता हूँ पहले, तो सेतु का मतलब है ब्रिज, जैसे राम सेतु, राम ने श्रीलंका पर जाने के लिए बनाया था, रावण की लंका पर चढ़ाई करने के लिए। तो शिक्षा सेतु मतलब कि शिक्षा के अंदर स्टूडेंट एंड टीचर, उनके बीच में ब्रिज का काम करेगी ये ऐप। अब ब्रिज का काम कैसे करेगी, तो सबसे पहले तो मैं बात बता दूँ कि किसने ये लॉन्च की है। ये लॉन्च की है भाई मेरे भाई हरियाणा ने, ठीक है, हरियाणा के अंदर। तो कोई भी जैसे अटेंडेंस की जानकारी हो गई, फीस की जानकारी हो गई, ऑनलाइन एडमिशन की जानकारी हो गई, या कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस हो गया, वो इस ऐप के थ्रू दिखाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक ब्रिज का काम करेगी। तो शिक्षा सेतु, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा, ये ऐप आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। द पोस्टेज स्टैम्प मतलब कि डाक खाने की एक स्टैम्प निकाली है, किसके नाम पर? राजकुमार शुक्ला के नाम। तो उसको जो रिलीज किया गया है, तो जो वो कौन से हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड है? तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि राजकुमार शुक्ला कौन है, इनकी क्या कहानी है। देखो मेरे भाई, जब चंपारण के अंदर जब नील की खेती की जाती थी, नील को इंग्लिश में अगर मैं बोलूँगा, जब इंडिगो की खेती की जाती थी, अंग्रेज पीटते थे अपने किसान भाइयों को कि भाई मतलब कि अपने 15% ज़मीन पर, मतलब कि 3 out of 20 ज़मीन पर ज़बरदस्ती नील उगवाते थे। तो उस वक्त एक बंदे का नाम था राजकुमार शुक्ला, और राजकुमार शुक्ला ही गांधी जी के पास गए थे। इन्होंने गांधी जी को ये प्रॉब्लम बताई थी कि देखो भाई कभी आओ हमारे चंपारण में, वहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है। और तब गांधी जी चंपारण गए थे, ठीक है। तो जो गांधी जी की एंट्री हुई थी ना चंपारण सत्याग्रह से, उनके अंदर राजकुमार शुक्ला का हाथ है। तो चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है ये डाक पोस्ट, क्लियर है आपको। अब गांधी जी ने आकर इंडिया में क्या किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, गांधी जी की एंट्री इंडिया के अंदर 1915 के अंदर हुई, ठीक है। जब गांधी जी इंडिया लौटे तो 1915 में लौटे, तो यहाँ पर आके उन्होंने केक खाया था। केक खाने का क्या मतलब है कि सी फॉर चंपारण, सबसे पहले चंपारण में गए हैं, चंपारण में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, उसके बाद अहमदाबाद गए, ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइकर्स की जो मूवमेंट थी, और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने किया था, ठीक है। और ई से मतलब कि एंड, केक खा के ख़त्म किया काम, हाथ मुंह धो लिया बस, समझ गए। तो CAKE, तो 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद, 1918 में खेड़ा। और अब आप बोलोगे मैं आपको वो डाक टिकट भी दिखा दूँ, तो ये रही वो डाक टिकट, ठीक है। ये किसान यहाँ पर इंडिगो काटता हुआ आपको दिख जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है कि विच शॉर्ट स्टोरी राइटर, कौन सी लघु कहानी मतलब कि छोटी कहानियों के लेखक को 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कश्मीरी लैंग्वेज के लिए? तो ये मिला है मुश्ताक अहमद तांत्रे को, मुश्ताक अहमद तांत्रे। तो इन्होंने किया क्या है, इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है, 18 छोटी छोटी कहानियां लिखी हुई हैं, जिस बुक का नाम है आँख, आँख नहीं है आँख, बुक का नाम क्या है आग, उसके लिए इनको मिला है 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। हु हैज बीन नेम्ड पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर? अब ये पेटा क्या है, देखो पेटा की फुल फॉर्म है मेरे भाई पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, मतलब कि वो लोग जो एनिमल्स की एथिकल ट्रीटमेंट करते हैं, अदरवाइज तो लोग क्या करते हैं बुरी तरह मारते पीटते हैं एनिमल्स को, उनकी अच्छे से रक्षा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये पेटा क्या है, ये बहुत ही जैसे इंडिया में तो गोरक्षक बल है अपना, है काफ़ी ये एक्टिव रहता है, क्या क्या कुछ कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करता रहता है, लेकिन ये जो पेटा है ये उस टाइप का नहीं है, कहीं उससे आप रिलेट कर दो, मतलब कि काफ़ी ऑफिशियल सा प्रोफेशनल सा ग्रुप है। और ये जो सोनम कपूर है इनको इन्होंने चूज़ किया है इंडिया की तरफ से पेटा पर्सन ऑफ द ईयर। सोनम कपूर की एक खासियत भी बता दूं इनको चूज़ किया गया है, तो जो सोनम कपूर है वो वीगन है, वीगन का क्या मतलब है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हैं, इवन दही भी नहीं खाती हैं, जो वीगन लोग होते हैं वो इवन दूध भी नहीं पीते हैं, क्योंकि दूध और दही जानवरों से आता है ना, तो इनको भी कंज्यूम नहीं करते हैं, सिर्फ पेड़ों के सहारे जीते हैं, तो सोनम कपूर को चूज़ किया गया है, ठीक है। और भाई पेटा का हेडक्वार्टर है वर्जीनिया में, यूएसए में। अगला क्वेश्चन है कि भाई भारत की कौन सी फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है किस चीज़ के लिए, 91वें ऑस्कर अवार्ड्स की शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में, ठीक है, शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्री को छांटते हैं, तो भारत की किसी फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है तो डेफिनेटली आपसे पूछ सकते हैं, तो उसका नाम है पीरियड, ये क्लास वाला पीरियड नहीं है, ये पीरियड है मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला, मेंस्ट्रुएशन जो वीमेन के अंदर होती है मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस, उससे रिलेटेड मतलब सोशल मैसेज के रिलेटेड एक ये मूवी है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, उसको शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो मैं बता देता हूँ, रायका जहता बची, रायका जहता बची, आप इसको कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि कोई भी पीरियड होएगा मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होगी तो वो बच्ची को ही होएगा, बच्चे को नहीं होएगा, मतलब कि फीमेल, यहाँ मेरा याद कराने से मकसद है मेरा बस यहाँ पे, ठीक है। तो फीमेल तो पीरियड इसका बच्ची से रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जी, विच स्टेट हैज बिकम, कौन सा राज्य क्या बन गया है भारत का पहला राज्य टू ब्रिंग ए लॉ अगेंस्ट सेक्सटोर्शन, पहला राज्य बन गया है सेक्सटोर्शन के खिलाफ लॉ लाने वाला। तो सेक्सटोर्शन का क्या मतलब है, सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन ऑफ वीमेन, ठीक है, ये कई फॉर्म में हो सकती है, तो उसके खिलाफ लॉ लेने वाला पहला राज्य बन गया है जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है मेरे भाई, अब मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं। तो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, अब आप बोलोगे कि इसकी राजधानी तो जम्मू भी है, तो देखो भाई समर के अंदर एक राजधानी है, विंटर के अंदर दूसरी राजधानी है, विंटर मतलब कि सर्दी, तो समर के अंदर जो राजधानी है वो भी एस से शुरू होती है, एस से समर, एस से श्रीनगर। अब विंटर के अंदर डब्ल्यू से शुरू हो या ना हो भाई वो जम्मू है, ठीक है, यहाँ पर हम राइम स्कीम मिलाने नहीं बैठे हैं, ठीक है। लेकिन डब्ल्यू से एक चीज़ स्टार्ट होती है वुलर लेक, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वुलर लेक है जो बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो वहाँ का सीएम तो कोई है नहीं, राष्ट्रपति शासन है, और राष्ट्रपति क्या कौन है हमारे, रामनाथ कोविंद जी, और वहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। अब बढ़ते हैं आगे, नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता है अभी, तो नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को। अब ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है किन के बर्थडे की याद में, ये मैं आपको बता देता हूँ, तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हमारे 5वें प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं लेट चौधरी चरण सिंह, तो भाई किसान दिवस उनके बर्थडे वाले दिन मनाया जाता है। और जो चौधरी चरण सिंह से रिलेटेड अगर मेरे को एक बात याद है तो बता दूँ, हिसार के अंदर एक यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो भी चौधरी चरण सिंह के नाम पर है, क्लियर है। तो 23 दिसंबर को ये मनाया जाता है मेरे भाई। अब यहाँ पर मैंने आपको चौधरी चरण सिंह जी दिखा दिए हैं। देन
इंडिया का 25वां हाई कोर्ट जो है वो कौन से राज्य के अंदर स्टार्ट होगा? यार देखो, हर एक राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होता है, कभी कभी दो राज्य मिलकर एक हाई कोर्ट बना लेते हैं, भाईबंदी में काम चला लेते हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब चला रहे हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी से, लेकिन अब देखो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो लड़ाई हो गई थी अलग अलग राज्य बनाने के लिए, तो अब वहाँ पर भाईबंदी नहीं चल रही, ठीक है। जो तेलंगाना है, जो राजधानी थी आंध्र प्रदेश की, वो अब तेलंगाना में चली गई, तो तेलंगाना के अंदर तो हैदराबाद का हाई कोर्ट हो गया, और उसके अलावा जो तेलंगाना के अंदर हैदराबाद चला गया, ठीक है, सॉरी तेलंगाना के अंदर हैदराबाद चला गया, तो तेलंगाना का हाई कोर्ट हैदराबाद के अंदर हो गया, और जो अपना आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट वो कहाँ पर हो गया, अमरावती के अंदर। कभी कभी स्पीड में बोलते हुए लाइक ऐसे आगे बढ़ जाता हूँ मैं अपने दिमाग से, ठीक है। तो अमरावती के अंदर नया हाई कोर्ट हो गया है आंध्र प्रदेश का, तो वो 25वां हाई कोर्ट है अपने देश का, ठीक है। तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश क्या कर रहे थे, दिसंबर 2018 तक काम चला रहे थे भाईबंदी में। अब अगला है भाई, और हाँ एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में, कि जो यहाँ के चीफ जस्टिस है ना, पहले चीफ जस्टिस जो बने हैं वो हैं रमेश रंगानाथन, रमेश रंगानाथन बने हैं, जस्ट बोल रहा हूँ, ध्यान रहेगा आपको। विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन मतलब कि उड़ान मंत्रालय बोल सकते हो, हवाई जहाज वाला मंत्रालय, किस चीज़ के लिए, ग्लोबल एविएशन समिट। तो ग्लोबल एविएशन समिट की शॉर्ट फॉर्म बना लो GAS। अब ये ग्लोबल एविएशन समिट है क्या, वो मैं आपको बता दूँ आम भाषा में। देखो, जो हवाई जहाज की इंडस्ट्री है काफ़ी सारी प्रोग्रेस कर रही है, उससे काफ़ी सारा ट्रेड हो रहा है, मतलब कि बिजनेस हो रहा है, काफ़ी सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो भाई उसकी खुशियां मनाने के लिए दुनिया में पहली बार ग्लोबल एविएशन समिट हो रही है, ठीक है, अपने देश के अंदर हो रही है, ठीक है, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के अंदर हो रही है। तो उसके लिए खुशियां मनाने के लिए, और ताकि और ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ाया जाए, जैसे मेरे और आपके जैसे गरीब लोग भी हवाई जहाज़ों में सफ़र कर सकें फिर। तो ऑप्शन डी, गैस 2019 ये ऐप बनाई है, ठीक है, ग्लोबल एविएशन समिट 2019 ग्रैंड हयात होटल मुंबई, आप देख सकते हो 15-16 जनवरी को ये समिट होने वाली है। तो हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो भाई यह मनाया जाता है नागालैंड के अंदर, ठीक है। कैसे याद रखोगे, देखो भाई इसके अंदर क्या है, बिल, और बिल में क्या रहता है, नाग, ठीक है, बिल में नाग रहता है, याद तो होगा ना, सांप रहता है बिल के अंदर, ठीक है, तो नागा बिल, अभी आपको याद रहेगा। अब ये मनाया क्यों जाता है, एक तो आपको एक और बात बता दूँ, किसे त्योहारों का त्यौहार बोला जाता है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स इसे बोला जाता है, और ये 1 से लेकर 7 दिसंबर तक हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर, टू डिस्प्ले द रिच ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ स्टेट, जो नागालैंड राज्य है उनकी रिच ट्रेडिशन दिखाने के लिए, उनकी कल्चर दिखाने के लिए, उनकी संस्कृति दिखाने के लिए, ताकि वहाँ पर टूरिज्म और ज़्यादा फैलाया जाए, लोग वहाँ पर टूरिस्ट बन के जाएँ। अब भाई भारत के नए मुक्केबाजी के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर मैंने फोटो दिखा दी, तो ये तो भारत का तगड़ा मुक्केबाज है विजेंद्र सिंह, तो विजेंद्र सिंह को भी उस नए कोच ने ट्रेन किया था, और सिर्फ विजेंद्र सिंह को नहीं, जो अपना थप्पा है, शिव थप्पा है, सुरजोय है, तगड़े तगड़े बॉक्सर, तो भाई अब इतना तगड़ा कोच है तो उसके साथ लड़ाई करोगे तो कूट कूट के बुरा हाल बना देगा आपको, बहुत बुरी तरह से कूट देगा, ठीक है। और उसी ने बाहुबली को मारा था, जी हाँ, कुटप्पा, ये कटप्पा की बात कर रहा हूँ मैं, CA कुटप्पा, ठीक है, बहुत बुरी तरह से कूट देगा बॉक्सिंग का कोच, तो ऑफ कोर्स कोच है तो। और ये जो हैं ये द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, ठीक है, द्रोणाचार्य मतलब कि स्पोर्ट्स के अंदर सिखाने के लिए, द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स गुरु थे ना, तो उनको ये दिया जाता है, क्लियर है। एंड ही सक्सीड्स वेटरन बॉक्सिंग कोच SR सिंह, इसके पहले जो बॉक्सिंग कोच थे वो SR सिंह थे, ये तो काफ़ी जवान हैं, 39 ईयर्स के हैं, ठीक है, अभी काफ़ी चलने वाले। Who is known as Nightingale of Assam? तो भाई देखो, Nightingale जो बुलबुल है, कोकिला है, ठीक है, बुलबुल या कोकिला इसको बोल सकते हैं, वो हमेशा सिंगिंग से रिलेटेड होता है, जिनकी मधुर आवाज़ हो, तो ये दीपाली बार ठाकुर है। तो आप इसको याद कैसे रखोगे, करंट अफेयर तो आपके दिमाग में बिठाने से मतलब है। देखो, बार के अंदर गाते हैं ना लोग, मूवीज़ में देखा होगा बार, तो भाई दीपाली बार ठाकुर Nightingale गाने से रिलेटेड है, दीपाली बार ठाकुर इसका आंसर है, ठीक है।
इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है और ये असामी सिंगर हैं, असम से हैं। ठीक है, अब ये तो असम की नाइटिंगेल हो गई, अब इंडिया की नाइटिंगेल कौन है? सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, इंडिया का बहुत ही भारी सैटेलाइट? तो वो है भाई जी सेट 11। अब ये जी सेट 11 जो है ये किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है? ये इसके नाम में ही छुपा है। देखो इंटरनेट का डोंगल देखा है ऐसे, इंटरनेट के डोंगल के ऊपर कई जगह ऐसे दो एंटीने देखे हैं, दो एंटीने ऐसे, दो एंटीने देखे होंगे आपने, तो इन दो एंटीनों से बना 11। मतलब कि ये किस चीज़ के लिए बना है? ये इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सेवाएं प्रदान के लिए, इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सेवाएं प्रदान के लिए ये लॉन्च, मतलब सेवाएं बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये 11 से आप याद रखोगे, इंटरनेट ब्रॉडबैंड के लिए लॉन्च किया गया है। क्लियर है? और ये इसरो ने लॉन्च किया है, लेकिन ये फ्रांस के अंदर लॉन्च किया है, इसरो ने इंडिया के अंदर नहीं लॉन्च किया। तो अब मैं आपको इसरो का चीफ बता देता हूँ, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, तो ऐसे बार बार रिपीट करेंगे हर महीने तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे भारी सैटेलाइट है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मोस्ट एडवांस्ड हाई थ्रोपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, और इसका वेट है 5854 kg। ऐसे फालतू के फैक्ट्स वैसे रटने की जरूरत नहीं है, 5854 kg टाइप। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ने एक बार हरियाणा की HSSC में पता क्या पूछ लिया कि पता नहीं काला ब्राह्मण ऐसी लड़की वैसी लड़की क्या आप सुकून है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, क्या भरोसा है इनका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड ए कोमेमोरेटिव कॉइन ऑफ हाउ मच अमाउंट, तो भाई भारत रत्न अवार्डी अटल बिहारी वाजपेयी, अपने पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, और अभी 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को जिनकी मृत्यु हो गई 2018 में आज़ादी से एक दिन बाद, उनकी याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सिक्का जारी किया, तो वो था जी 100 रुपये का सिक्का। अब देखो किसी गरीब बंदे का गुम हो गया ना, जान निकल जाएगी, बात तो है ये। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस डे अपने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर गुड गवर्नेंस मतलब कि अच्छा, मतलब कि सुशासन दिवस मनाया जाता है, और यहाँ पर ये 100 रुपये का सिक्का मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखो कितनी मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स क्या होती हैं कि भाई अपनी जो ये अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, उनको अडोप्ट किया गया है, मतलब कि गोद लिया गया है, कौन सी स्कीम के तहत? अडोप्ट ए हेरिटेज। अब ये कौन सी स्कीम है, मतलब कि एक स्मारक को गोद लेने वाली कौन सी स्कीम है? ये स्कीम निकाली गई है कि ये जो अपनी स्मारक हैं, अगर ये गवर्नमेंट के अंदर रहती हैं सरकारी उसके अंदर, तो भाई इनकी हालात ख़राब हो जाती है, कई चीज़ें मेंटेन नहीं रह पाती हैं। ठीक है, उनकी बुनियादी सुविधाएं, पानी वगैरह की सुविधाएं, स्वच्छता, अच्छा पानी पीने को नहीं मिलता, पर्यटकों के लिए मुश्किल हो जाती है, अच्छी लाइटें नहीं होती, वाईफाई वगैरह की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो अब क्या किया गया है कि कोई भी कंपनी या कोई भी बंदा उनको अडोप्ट कर सकता है और उनको सुधारेगा, उसको ठेका दिया जाएगा। ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें वो अच्छे से प्रोवाइड कर पाए। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो 10 मॉन्यूमेंट्स को अडोप्ट कर लिया गया है, जैसे दलमिया भारत लिमिटेड ने लाल किले को अडोप्ट कर लिया है। क्लियर है? इसी तरह से अलग अलग कंपनियों ने 10 को अडोप्ट कर लिया गया है, लेकिन आपको स्कीम के बारे में पता होना चाहिए कि आप जब एग्जाम में बैठो तब तक कितनियों को अडोप्ट कर लिया हो, है कब एग्रीमेंट साइन करते हैं क्या पता लगता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली पास्ड रिजोल्यूशन टू सीक 33% रिजर्वेशन, मतलब कि कौन से राज्य ने 33% आरक्षण के लिए, किस चीज़ में 33% आरक्षण? राज्य जो अपनी भाई स्टेट की जो असेंबली होती है उसके अंदर, मतलब तीसरे हिस्से की औरतें होंगी ही होंगी, तो ये पंजाब ने किया है ये काम। ठीक है, पंजाब ने किया है। क्लियर है मेरे भाई? तो पंजाब के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। अब अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक ब्लू वाटर अहोय? तो ब्लू वाटर, यहाँ पर वाटर से ही मैं आपको रिलेट करना चाहूँगा कि बुक है नेवी से रिलेटेड, नेवी वाले पानी में ही रहते हैं ना, और इसको लिखने वाले हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, मेरे को पता था जब गलत लिखा गया था, फिर मैंने ठीक नहीं किया। क्यों नहीं ठीक किया गया? क्योंकि ये साइंटिफिक लर्निंग है। देखो इनका नाम लांबा नहीं है, मैं काट कर इनके नाम को लानबा करूंगा ना, लानबा एम की जगह है, अब आपको याद रहेगा, अब आप नहीं बोलोगे, अदरवाइज तो सीधा लिख देता तो हो सकता है मिस हो जाता। तो सुनील लानबा, तो सुनील लानबा जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये हैं अपने प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद। तो प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद ने सिर्फ इसको रिलीज किया है, लिखी किसने है? जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ,
तो रामनाथ कोविंद को क्यों बुलाया फिर? रामनाथ कोविंद को इसलिए नहीं बुलाया कि प्रेसिडेंट है, इसलिए बुलाया कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो कमांडर होता है सारी आर्म्ड फोर्सेस का। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा गया है, कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जितनी भी सशस्त्र सेवा सेना बल हैं उनका लीडर होता है अपना प्रेसिडेंट। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? तो नेवी हिस्ट्री लिखी गई है इस बुक के अंदर 2001 से लेकर 2010 तक, और 4 दिसंबर 2018 को इन्होंने लॉन्च कर दी थी। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कराने वाला हूँ। देखो 30 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए, उसके बाद गदा गदा बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, अब तैयार हो जाओ भाई, इन्फॉर्मेशन फेंकने वाला हूँ मैं स्पीड से। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ब्लू क्रॉस अवार्ड बाई आईएसएसएफ किसको मिला? तो आईएसएसएफ क्या है सबसे पहले तो ये बता दूं, ये है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, मतलब कि इंटरनेशनल जो शूटिंग स्पोर्ट्स होते हैं तीरंदाजी वगैरह पिस्तल वगैरह, ठीक है, शूटिंग स्पोर्ट्स, उनकी फेडरेशन है। तो इसका सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है ब्लू क्रॉस अवार्ड, और अब तक किसी भी इंडियन को ये नहीं मिला था, फर्स्ट इंडियन को ये मिला है जो कि शूटिंग में हिस्ट्री रच चुके हैं इंडिया में। यस, इंडिया को पहला इंडिविजुअल गोल्ड दिलाने वाले शूटिंग के अंदर, जिनका नाम है अभिनव बिंद्रा। क्लियर है मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं। चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे 2019, 2019 के गणतंत्र दिवस के दिन चीफ गेस्ट कौन होगा? तो जिस भी देश का चीफ गेस्ट होगा उनके पहले प्रेसिडेंट का नाम है नेल्सन मंडेला। अब तो आपको पता लग गया होगा, नेल्सन मंडेला अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने वाले, और नेल्सन मंडेला भी एक बार आए थे चीफ गेस्ट बन के। ठीक है, प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा इसके प्रेसिडेंट है, साउथ अफ्रीका के। अब तक तो आपको पता लग जाना चाहिए था, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है। देन अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कंट्री टू होस्ट G20 समिट इन 2022, 2022 के अंदर। तो G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, 20 का यह ग्रुप है जिसके अंदर काफ़ी देश हैं, 20 देश हैं, 20 संस्थाएं आप कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ इसके अंदर हैं। ठीक है, तो देखो 2022 वाला इंपॉर्टेंट क्यों, 2019 वाला, 20 वाला, 21 वाला मैंने क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आम सी बात है, हमें अपने इंडिया से प्यार है ना। 2022 के अंदर इंडिया इसको होस्ट करने वाला है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और 2018 में किसने होस्ट किया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि अर्जेंटीना ने किया है, अर्जेंटीना 2018 के अंदर। यार मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, स्टेट टू लॉन्च मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा। तो देखो भाई, ये क्यों लॉन्च की गई पहले ये बता दो, कि स्टेट के अंदर जितने भी बुजुर्ग हैं अपनी जिंदगी के अंदर एक बार तीर्थ यात्रा पर जा पाए, उनको 5 ऑप्शंस दिए गए कि इन 5 में से 1 को चूज कर लो। ठीक है, और उनको चूज करने के लिए ऑनलाइन वो चूज करते हैं, मतलब कि हमारे बुजुर्ग भी अभी हो रहे हैं, डिजिटल हो रहे हैं, ऑनलाइन तीर्थ यात्रा के लिए बुकिंग करा रहे हैं। ठीक है, फ्री में उनकी तीर्थ यात्रा होगी, और ये दिल्ली के अंदर लॉन्च की गई है। क्लियर है, मतलब कि क्या होगा, कई सारे लोग फिर उसके लिए अप्लाई करेंगे, हर एक विधानसभा क्षेत्र से 1100 लोगों को चूज किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि ग्लिंका वर्ल्ड सोइल अवार्ड, सोइल के अंदर दुनिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ये ग्लिंका वर्ल्ड सोइल अवार्ड। तो कोई भी आदमी जब सोइल की, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था सोइल डे के टाइम पे, कि सोइल की सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है कि बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हुए जब हम किसी चीज़ को यूज करते हैं तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल मैनेजमेंट बोला जाता है। तो ये मिला है बिकॉज इंडियन है, प्रोफेसर रतन लाल, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, प्रोफेसर रतन लाल। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सोइल डे, तो ये मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो सोइल से आया 5, D से आया दिसंबर, तो इसका आंसर हो गया 5 दिसंबर, बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन है, सापुरकंडी डैम जो हालांकि न्यूज़ में था फिलहाल, वो कौन सी नदी पर है? तो वो रावी के अंदर है, ठीक है, पंजाब के अंदर है। बस अगला देश है, कंट्री टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। तो खतरनाक क्वेश्चन है, मतलब इस देश ने क्या किया पता है, देश के अंदर जितनी भी ट्रेनें हैं, जितनी भी भाई बसें हैं, जितने भी ट्रेम्स हैं, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर 1 भी रुपया नहीं लगेगा। हालांकि इन्होंने अब से नहीं किया है, इन्होंने बोला है 2020 से ये हो जाएगा। तो ये देश है जी लग्जमबर्ग, याद रखिएगा, लग्जमबर्ग ने ऐसा काम किया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट फीमेल दिव्यांग, दिव्यांग का मतलब है कि हैंडीकैप आप इनको बोल सकते हो,
है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। तो हाल ही में ये न्यूज़ में थी, कोई और चोटी चढ़ने के लिए, लेकिन माउंट एवरेस्ट इन्होंने क्लाइंब किया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, आपने वीडियो भी देखा होगा जिनके अंदर एक बार इनका जिक्र है, काफ़ी फेमस वीडियो था एक, अरुणिमा सिन्हा। आगा खान कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, ये हॉकी के अंदर, हॉकी से रिलेटेड है आगा खान कप, ठीक है, हाल ही में चल रहे थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो भाई देखो आरबीआई का जो अपना डीमोनेट क्या हुआ, देखो आपको एक तगड़ी बात बताता हूँ, डीमोनेटाइजेशन जब हुई तब भी मतलब चल रहा था मामला, झगड़ा चल रहा था, है मतलब ये ऑफिशियली तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन बस मानना है कि भाई जब जो अपने वो हैं रघुराम राजन, वो भी कंटिन्यू कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, वो बोल रहे थे मैं डिमोनेटाइजेशन को मना कर रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद उर्जित पटेल को बनाया गया था। अब उर्जित पटेल को क्यों, क्योंकि आरबीआई की जो फंक्शनिंग है उसके अंदर कुछ दखलंदाजी हो रही थी गवर्नमेंट के द्वारा। उर्जित पटेल ने वैसे तो ये बोला कि भाई मैं पर्सनल रीजंस के कारण रिजाइन कर रहा हूँ, या कुछ ऐसा कुछ बोला है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन ऐसा हो रहा था सरेआम, ठीक है। तो उर्जित पटेल ने रिजाइन किया और जो नए गवर्नर हैं वो आए हैं शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास आरबीआई के, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, जो ये चीज़ें बताई ये नहीं पूछी जा सकती है, शक्तिकांत दास पूछा जा सकता है। अगला है नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो सबसे पहले नेशनल मैथमेटिक्स डे क्यों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है श्रीनिवासा, निवास का निवासा कर दिया अंग्रेजों ने, रामानुजन जो भारत के बहुत ही तगड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, मैं भी क्वांट पढ़ाता हूँ ना, तो इसी खुशी में एक नंबर है 1729, उसकी खासियत तो बता दीजिएगा कमेंट करके अगर आपको पता है तो, इसको रामानुजन नंबर बोलते हैं, मैंने अपनी स्कूटर का लिया था, ठीक है। तो 22 दिसंबर को श्रीनिवासा रामानुजन के जन्मदिन के ऊपर ये मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। अब अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ अवार्ड विनर कौन है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है मेरे भाई जो भी लिटरेचर मतलब कि साहित्य के अंदर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है उसको। तो अब की बार इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के जो ऑथर हैं ये मिला है अमिताव घोष को, काफ़ी फेमस ऑथर हैं, आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया का पहला आउल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाएगा। अब तो ये आउल मतलब कि उल्लू से मेरी बात है, ठीक है, तो आउल फेस्टिवल क्यों मना रहे हैं, सबसे पहली बार इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर अवेयरनेस फैलाएंगे, उल्लू के बारे में काफ़ी सारी बातें फैलाएंगे, हैं उल्लू के बारे में काफ़ी अंधविश्वास फैले हुए हैं, उल्लू से लोग बिना वजह डरते रहते हैं गाँव में कई बार तो हैं, और कई तो लोग ये बोलते हैं कि उल्लू को एक आंख से दिखता है, कई लोग बोलते हैं उल्लू को ज़मीन में गड़ा खजाना दिखता है, कई लोग बोलते हैं कि भी उल्लू की गवाही चलती है कोर्ट में, ऐसे अजीब अजीब सी चीज़ें फैली हुई हैं, ठीक है। अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी पुणे के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, पुणे के अंदर ये फेस्टिवल हो रहा है। सिलाओ खाजा बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो सिलाओ खाजा यार खाने की चीज़ है, ठीक है, जैसे पुलाव खाजा ऐसे ही सिलाओ खाजा है, मजाक कर रहा हूँ मैं, तो सिलाओ खाजा खाने की चीज़ है, कई जगह जो होती हैं वो किसी एक चीज़ के कारण फेमस हो जाती है ना, कि उस जगह पर ये बनता है, अलीगढ़ में ताले बनते हैं, तो उस जगह को जियोग्राफिकल टैग दे दिया जाता है कि ये चीज़ जो है ना ये उस जगह की बहुत ही फेमस है। तो बिहार के अंदर सिलाओ खाजा है, मिठाई आप इसको बोल सकते हो, तो उस जगह को ज्योग्राफिकल टैग मिल गया है सिलाओ खाजा को, जब कोई ऐसी चीज़ होती है ना जो उसी जगह पर है, यूनिक है और उसके काफ़ी फेमस है, तब ऐसा होता है, ठीक है, जैसे इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब पर। तो 46 तानसेन सम्मान के विनर कौन है 2018 के, तो भाई तानसेन सम्मान के विनर हैं मंजू मेहता। अब ये तानसेन सम्मान जो मिलता है ये तानसेन जो था अकबर के नवरत्नों में से था, 9 लोग थे बहुत ही तगड़े तगड़े, जिनमें से एक बीरबल भी था, ठीक है, तो तानसेन क्या था, गायक था तानसेन। तो अब ये म्यूजिक इंडस्ट्री में मिलेगा, तो ये जो मंजू मेहता हैं ये सितार प्लेयर हैं, सितार बजाती हैं ये, ठीक है, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ये। देन अगला क्वेश्चन है माउंट एटना कौन से देश में है, तो माउंट एटना सबसे पहले तो एक बता दूं, माउंट का मतलब है माउंटेन, ठीक है, एटना एक पहाड़ का नाम है, तो ये एक एक्टिव वोल्केनो है और न्यूज़ में है, पूछ सकते हैं आपसे ज्योग्राफी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं कवर कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, इटली के अंदर है ये मेरे भाई, इटली के अंदर। अगला क्वेश्चन है फास्टेस्ट एशियन टू साइकिल द ग्लोब, मतलब कि पूरे ग्लोब के चारों तरफ साइकिल करने वाला फास्टेस्ट एशियन, मतलब फास्टेस्ट इंडियन तो होएगा ही होएगा, और ये एक लेडी है जिनका नाम है वेदांगी कुलकर्णी, वेदांगी कुलकर्णी। अब इन्होंने क्या किया,
इन्होंने मेरे भाई रोज 300 किलोमीटर साइकिल चलाई, एक दिन में 300 किलोमीटर इमेजिन कर सकते हो, और पूरी दुनिया का चक्कर इन्होंने 159 डेज में लगा दिया है, क्लियर है। और अब इनकी उम्र बताऊंगा ना, बहुत चक्के रह जाओगे, 20 साल के हैं ये, ठीक है। तो मतलब कि अपने ऊपर विश्वास करके कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, लोग भयंकर भयंकर काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसी गिरी बिलोंग टू विच स्टेट, तुलसी गिरी कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे। तो भाई ये एक्सपायर हो गए हैं तुलसी जी, और हमारे पड़ोसी देश के पीएम थे ये, ठीक है, नेपाल के पीएम रह चुके हैं तुलसी गिरी, इसलिए आपको याद होना चाहिए, अभी हाल ही में एक्सपायर हुए हैं। स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर, तो स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ममता बनर्जी को, और आप तुरंत मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि ममता बनर्जी कौन से स्टेट की सीएम है, तुरंत, बाद में कोई कमेंट नहीं करता, हाल ही में कमेंट करके मेरे को बताओ, तुरंत वीडियो को पॉज करके। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन है, BWF मतलब कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, मतलब कि बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, उसका एक वर्ल्ड टूर था, वर्ल्ड टूर मतलब कि वर्ल्ड चैंपियनशिप आप इसको बोल सकते हो, उसका मेडन इंडियन गोल्ड, मेडन का क्या मतलब है, इकलौता सबसे पहली बार इंडिया के अंदर किसने गोल्ड लिया, तो वो किसने लिया, वो लिया है पीवी सिंधु ने, ठीक है, पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है, अब देखो यार, जो नए सीएम इलेक्ट किए गए ना, उनको याद करने की अगर ये ट्रिक आपको जबरदस्त लगे तो तालियों से तो स्वागत कर नहीं सकते, मेरे तक पहुंचेंगे नहीं, तो एटलीस्ट लाइक से स्वागत कर दीजिएगा मेरा, ठीक है, और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा, ये आखिरी चार क्वेश्चंस को करवाने की, रटवाने की ट्रिक आपको मेरी कैसे लगी, ठीक है, बहुत खुशी होगी अगर आप ये बात मेरे तक पहुंचाएंगे। तो देखो, मिजोरम के सीएम अगर आपने रटने हैं तो जोरम, मिजोरम, जोरम 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 थंगा, ठीक है, जोरम, दोनों में जोरम आ रहा है, तो ये तो मेरे ख्याल कोई माइक लाल आपको बुला नहीं सकता, ठीक है, इसमें भी मिजोरम, इसमें भी जोरम है, तुक्का लग गया, उस तुक्के को हम यूज करते हैं। अब राजस्थान, तो राजा, राजा का स्थान है ना, राजस्थान क्या है, राजा का स्थान, तो राजा से रिलेटेड यहाँ पर होंगे सीएम। तो भाई अशोका दी ग्रेट, सुना है नाम आपने, अशोका, अशोका भी एक राजा रह चुका है और राजा, तो राजस्थान के अशोक कह रहे थे, वैसे तो ये पॉपुलर से नाम है, वैसे ही आपको याद होंगे, लेकिन चलो याद करवा देता हूँ। अब बात है मध्य, मध्य का क्या मतलब है, भाई बीच में, तो कीचड़ के बीच में क्या होता है, कीचड़ के बीच में, कीचड़ के बीच में कमल खिलता है, ऐसे बोलते हैं ना, तो कमल खिल गया है कीचड़ के बीच में, मध्य मतलब मध्य में क्या है, कमल है, कमलनाथ। अब अगला है छत्तीसगढ़, तो देखो भाई 36 का आंकड़ा सुना है, 36 का आंकड़ा, ये मुहावरा पता होना चाहिए, तो 36 का आंकड़ा जिसके भी साथ होगा, मतलब आपकी उससे बनती नहीं, आपके उसके साथ लड़ाई है, तो जब भी आप उसको देखोगे हैं, तो वो वहाँ से भगलेगा, भगलेगा मतलब कि बघेल हो जाएगा वो वहाँ से, जिसके साथ भी 36 का आंकड़ा है, भूपेश बघेल, वो वहाँ से बघेल हो जाएगा, यहाँ पर पी की जगह टी होता भूतेश, तो मैं भी सीएम बन जाता छत्तीसगढ़ का, देख लो, बस किस्मत ने टी को पी कर दिया। तो चलो भाई, दैट्स ऑल, मजाक के लिए इतना ही, बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेटली पसंद आए होंगे। तो अब एक और इम्पोर्टेंट बात, पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को ऐसे ही जबरदस्त तरीके से मैंने कराया है, और ये भी हो ही नहीं सकता कि पिछले 6 महीने से करंट अफेयर आए और इस वीडियो से ना आए, ठीक है, सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे काफ़ी मेहनत की जाती है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लाइक करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, और फिर से ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब तो बनता ही है।